वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जिस धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर सच्चे पातशाह जी दे परिवार बाबत आपां इतिहास सांझा करना। आपां 13 दिन आपां पहलां अज जितना कि यतन कर सकते, जितना भी सच्चे पातशाह जी बल बख्शन, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। हे सच्चे पातशाह जी तू समरथ वड्डा। आओ वाहिगुरु जी, आओ गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी, यू आर ऑल पावरफुल। मेरी मत थोड़ी राम, माई इंटलैक्ट इज़ वेरी लो। पर सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी, पर जे तुसी ना कितने हाथ धर दो सिर उपर, फिर तुसी भाई बचित्र सिंह वर्गियां कोलों भी एक मस्त हाथी का तुसी सच्चे पातशाह मुकाबला करा सकते हो। सो एवें ही सच्चे पातशाह जी असीस बख्शन विच आप वरत के ये 13 दिन सच्चे पातशाह जी इतिहास आप ही कृपा करके विच वरत के सुनाउन। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह। Let's just get to know Guru Gobind Singh Ji Patshah Ji a little bit through their own Gurbani. Je aapa Guru Gobind Singh Ji Patshah nu thoda je aapa yatan kariye vekhan vaste unna di aap di hi bani de vichon unna di aap di hi bani de raho. Tan Sri Guru Gobind Singh Ji Patshah Ji jis samay na unna ne zafarnama likhya, that moment, that time when Guru Gobind Singh Ji Patshah Ji wrote the zafarnama, भाव जफरनामे का अर्थ ही यह है एक विजय की चिट्ठी। विजय मीनिंग विक्टरी, इट्स अ लेटर ऑफ विक्टरी। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ने जो उस समय औरंगजेब ने जो भेजा ना जफरनामा, पहला गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर सच्चे पातशाह ने उस अकाल पुरख की सिफत लिखी। पर जिहड़ी उस सिफत लिखी ना गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अकाल पुरख की, वह अंदर दे मन नूं ना गुरसिख प्यारिओ ਉਹ ਐਨ ਛੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਿਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋ ਅਵਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਨ ਦੀ ਰੋ ਦੈਟ ਲੈਟਰ ਟੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨੋ ਐਜ਼ ਦ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੱਚ ਆਵਰ ਹਾਰਟਸ ਵੈਨ ਵੀ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਮ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵਿਦ ਡੀਟੇਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ करामात कायम करीम, रजा बख्शो राजिक रिहाकुन रहीम। पहला आपा एदे विच ही वेखिए, लेट्स जस्ट लुक इन टू दिस फर्स्ट। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह इज राइटिंग इन फारसी। फारसी विच उस अकाल पुरख की सिफत की गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ने। जस्ट गेट नो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी अ लिटल बिट टुडे बिफोर वी स्पीक अबाउट देम फॉर द अदर 12 डेज। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी प्रेजिंग वाहेगुरु जी सिंह कमाल करामात। The word kamal means perfect. The word kamal means complete. Oh, kende us akal purkh nu kende, oh Waheguru ji tusi kamal ho, you are completely perfect. Kamal karamat. They said, oh Waheguru, karamat da arth hai shakti. The oh Waheguru ji, the shakti, the power that you have is complete. Par sach karke manniyo gursikh pyareo, das soch reha siga, man vich ik khyal aaya, these words that Guru Gobind Singh ji have used to describe and to praise Waheguru ji, sach karke manyo eh ek shabd Guru Gobind Singh ji pach te aap te vi hi tukda hai. Eh gal samjhiyo, what Guru Gobind Singh ji pach ji saying to Akal Purkh Waheguru ji, that kamal karamat kayam kareem, that kayam means that tusi nehchal ho, that oh Waheguru ji tusi atal ho. Kayam da bhav jehda kaim rehn wala hove, tu sada salamat nirankar. जेवे गुरु नानक पातशाह ने उस अकाल पुरख बारे कहा सलामत, मीनिंग दे सेइंग टू ओ वाहिगुरु जी तुसी कायम हो, तुसी अटल हो, तुसी नहचल हो, ओ वाहिगुरु जी यू आर नेवर गोना लीव, तुसी हर समय रहने वाले हो करके तुसी है भी सच भी हो, पर तुसी नानक हो सी भी सच भी हो, तो यू आर गोना रिमेन ऑल द टाइम। इफ गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी आर सेइंग दीज वर्ड्स फॉर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, दैन बिलीव दिस गुरसिख प्यारो, each word of this praise towards Waheguru ji goes for Guru Gobind Singh ji as well.
एक एक सिफत गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी वास्ते भी ढुकदी आ कि कमाल करामात गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी आ कमाल नहीं इज़न गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी देमसेल्व्स परफेक्ट इज़न गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी देमसेल्व्स कंप्लीट कमाल करामात दा कंप्लीट पावर वो सारिया शक्तियां दे मालक आप भी गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ने एंड आपां कई बार मन विच सोचते हाँ हाख वी खंफे कई मन विच करके ये गल आ जाती है गुरसिख प्यारियो कि आपां किवें आख सकते हैं कि अपना के गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी के जिनी शक्ति उस अकाल पुरख विच है आपां किवें आख सकते कि उन्नी ही शक्ति के का के गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी विच है समटाइम्स वी माइट थिंक इन अवर माइंड्स हाउ कैन इट बी दैट गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी हैज़ गॉट द सेम अमाउंट ऑफ पावर दैट सेम अमाउंट ऑफ कला एज अकाल पुरख वाहिगुरु जी पर आपां इस गल नूं समझण वास्ते ना जे आपां गुरु गोबिंद सिंह जी दी बाणी ही वाल फिर वेखीए बचित्र नाटक वाल इफ वी लुक है गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी बाणी अगेन इन बचित्र नाटक गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी कहन लगे कहिंदे एह बिद करत तपस्या भयो कहिंदे दवैते एक रूप हवै गयो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी कहिंदे कहिंदे जदों मैं एवें जदों तपस्या कीती ना किवें तपस्या कीती कहिंदे हेमकुंट पर्बत है जहां सप्त सरिंग सोभत है तहां गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी कहने कहते जो मैं हेमकुंट पा साहब जो सगा ना मैं गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह डिस्क्राइबिंग दैट टाइम बिफोर दे केम अपॉन दिस अर्थ एज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी कहते हेमकुंट पर्बत है जहां सप्त सरिंग सोभत है तहां कहते दैट प्लेस कहते दे वे दे आर दो सेवन पीक्स ऑफ माउंटेन्स दैट लुक ब्यूटिफुल कहते सप्त सरंग कहते कहते सप्त सिंह तह नाम कहावा कहते दे हैव कोल्ड दीज माउंटेन्स आर कोल्ड एंड दे हैव गॉट दैट नेम ऑफ सप्त सरिंग मीनिंग सप्त मीनिंग सैवन सरिंग मीनिंग पीक्स वे कहते पाच जी कहने कहते पांड राज जे योग कमावा ते हम अदक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी गुरु गोबिंद सिंह जी पाच जी कहते जिथे असी तह हम अदक तपस्या साधी वेयर वॉज अबजोर्ब्ड इन मेडिटेशन कहते इन दैट प्लेस वेन वॉज अबजोर्ब्ड इन मेडिटेशन कहते फिर वो भी समा आया कहते कहते मेरा चित नहीं सीगा क्या करता कहते इतने आने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह सर आई डिडंट वांट टू कम हियर वाई करके कहन लगे आप ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू दसना किया कि कहते यह बिद करत तपस्या पे दवैते कहते फ्रॉम बीइंग टू कहते दवै होने दे विच कहते फर्स्ट देयर वाज टू देयर वाज द इल्यूजन देयर वाज दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग दिस मी एंड दिस यू कहते दवैते एक रूप हवै गयो कहते मैं तो उस अकाल पुरख के नाल कहते एक रूप हो गया गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी सिंह वॉल्स आई वॉज अबजोर्ब्ड इन डीप मेडिटेशन इन हेमकुंड साहब विद अकाल पुरख जी आई वॉज अबजोर्ब्ड इन अकाल पुरख जी चरण कहते अब खेम वन कहते कोई फर्क नहीं रहा मेरे विच तो उस अकाल पुरख विच असी एक रूप हो गए गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अपनों आप यह गल दसना की आ सो देव टोल्ड अस दिस थिमसेल्व्स सो दैन वैन वी लुक एट दिस नाउ फिर आप हूँ कह सकते हैं ना जे गुरु गोबिंद सिंह ने आपू आप ही दस दिता कि मैं एक रूप हो गया उस अकाल पुरख के नाल हूँ जो आप कहे कि कमाल करामात कायम करीम हूँ ढुकदा है ना जे आप कहे कि इस गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह वास्ते भी ये ढुकदा सब कुछ कि वह गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह जी कि तुसी आप भी कि कमाल करामात कायम करीम करीम का भाव वह गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी बख्शिश करने वाले ने गुरु करीम मीनस कम्स फ्रॉम द वर्ड कृपा गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ब्लेसिस दे शावर द ग्रेस अपॉन अस देमसेल्व्स देन दे से रजा बख्शो राजिक रिहाकुन रहीम गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी रजा का भाव इतने रजा मीनस द परसन दैट इज प्लीजिंग टू गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी द परसन दैट इज प्लीजिंग टू गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी रजा बख्शो then what does guru gobind singh ji paach ji bless them with kende raza bakhsho razik razik rehakun rahim razik pav oh guru gobind singh ji hi paach ji aap hi han jehdi sanu rozi bakhshe de ne guru gobind singh ji paach ji themselves are the nourishers are the ones that sustain us and take care of us kende raza bakhsho razik rehakun the word rehakun comes from raha karna guru gobind singh ji paach ji is that liberator rehakun means the liberator गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी देमसेल्व्स आर द लिबरेटर्स करके असल विच ना जदों उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ने जदों सीस जदों मंगिया सीगा ना जदों सीस की मंग की कि सतगुर आगे सीस भेट दे जे सत के जे सतगुर साचे भावे
कि जे सतगुरु जी नूं इही पौंदा आ ना कि सतगुरु जी पाठ नूं की पौंदा व्हाट इज प्लीजिंग टू द गुरु गुरु द व्हाट प्लीजिस द गुरु इज व्हेन वी गिव आवर हेड टू द गुरु कि सतगुरु अगे सीस भेट दियो गिविंग आवर हेड अपने गुरु अगे सीस भेट करना यही गुरसिख प्यारे गुरु नूं पौंदा आ तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पाठ ने जो उस समय एक जो सीस मंगया ना सच करके मनियो गुरु गोबिंद सिंह जी पाठ जी लिबरेट भाई दया राम आई मेड देम इनटू भाई दया सिंह दे टुक अवे दे कास्ट दे टुक अवे एवरीथिंग फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ गुरु गोबिंद सिंह जी पाठ जी आप ही हन रा के ओ रजा बख्शो राजिक रिहाकुन रहीम रहीम मीनिंग दैट वाहिगुरु जी दैट गुरु गोबिंद सिंह जी पाठ जी दैट इज मर्सीफुल गुरु गोबिंद सिंह जी आप ही हन द जिहड़ी रजा जिहड़ी अपने उपर गुरसिख प्यारियो जिहड़ी कृपा करन वाले ने जिहड़े रहम करदे ने जिहड़े साडे वल वेख के तरस खरदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी फिर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने कहना कीता कहिंदे आमा बख्श बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर भाई याद रखो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी ये कह रहे ने उस अकाल पुरख नूं कहिंदे रजा कहिंदे रजा बख्श बख्शिंद है ओ दस्तगीर कहिंदे ओ वाहिगुरु जी इत्थे रजा दा अर्थ किया गया आ दा वाहिगुरु जी जिहड़ियां खुशियां बख्शन वाला आ कहिंदे रजा बख्श बख्शिंद है यू आर द वन दैट फॉरगिव्स अस एंड एम्ब्रेसिस अस एंड टेक्स अस इन कहिंदे रजा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर दा गुरु गोबिंद सिंह जी ही हन जिहड़ी साडी दस्तगीर दा पाव बांह फड़न वाले ने दस्त मीनस आवर हैंड द 10 फिंगर्स ऑन आवर हैंड्स Dastgir, gir means when somebody takes hold of our hand, somebody grips us. But Guru Gobind Singh Ji Pathshah Ji is that one that takes hold of us and grips us. But Guru Gobind Singh Ji Pathshah Ji na yaad karke rakhiyo that sanu aime pakadde ne, sanu inna ghutke pakadde ne na, keval fe aithe is sansar vich ni saadi baan padke rakhde, puchho Bhai Nandlal Ji Wargya nu. When we ask somebody like Bhai Nandlal Ji, कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी केवल साडी इस संसार विच रखिया करते हैं केवल इस जीवन विच साडी रखिया करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी तो जे इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू भाई नंद लाल जी वो भाई नंद लाल जी वह ने जिहड़े अत दे प्यार प्रेम विच भिजे ने उस कलगीधर पातशाह जी वास्ते इफ वी आस्क भाई नंद लाल जी इज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी दैट वन द ओनली टेक्स आवर आर्म इन दिस वर्ल्ड द भाई नंद लाल जी ना पहला उस गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की सिफत करके फिर सानू उस सिफत करते करते सानू उहदे विच दसणगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी प्यारियो केवल इस संसार केवल इस जीवन विच नहीं कल्ली अपनी बांह फड़दे करके गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की जिहड़ी पकड़ आ ना वह बहुत दूर तक पहुँचती आ कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी होल्ड इट रीच इज़ वेरी फार तो भाई नंद लाल जी ना प्यार विच आके तो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह नूं कहन लगे कहिंदे ना सरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह कहिंदे हे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह कहिंदे ना सरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह कहिंदे हे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह तुसीं ओह ने जिहड़ा किसे दी नहीं बांह फड़दा जिहड़ा किसे नूं नहीं पुछदा ना जिहड़ा संसार जिहड़ा तों मुख मोड़ लैन क्यों करके उहनां दी जात नीवी आ क्यों करके उहनां दा काम नीवा आ पर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी उन्हां दी भी बांह फड़दे ने ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह इज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह भाई नंद लाल जी कहन लगे कहिंदे इज दी मंजूर मंजूर मीन समरी दा इज एक्सेप्टेड कहिंदे उस अकाल पुरख ने ना इज दी दा इत्थे अर्थ है अकाल पुरख वाहिगुरु जी कहिंदे इज दी मंजूर कहिंदे वाहिगुरु जी एक्सेप्ट गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी कंप्लीटली कहिंदे इज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह द वर्ड हक हक मीनस ट्रूथ ट्रूथ हियर मीनिंग वाहिगुरु जी द अल्टीमेट ट्रूथ उस अकाल पुरख ने ते हक गया हक दा करके अर्थ बनता सच जिवें आपां जिवें गुरु नानक पातशाह ने आख्या कि एक ओंकार सत नाम वह जिहड़ा एक अकाल पुरख है ना असल में उ केवल सच आ करके असल में ना जो भी आपां इत्थे दिस रहा है ना वह एक दिन नाश हो जाना द ट्रूथ इज वट एवर वी सी विद आवर आइज हियर जो दीसे सो चालन हार वन डे यू विल लीव बट इज वन थिंग दिस द अकाल पुरख द इज सत द विल ऑलवेज रिमेन जिन्हें कभी भी नहीं गुरसिख प्यारे नाश होना उस अकाल पुरख ने
गुरु ओ भाई नंद लाल जी कहन लगे कहिंदे हक उस अकाल पुरख नूं हक कहना कीता कहिंदे हक कहिंदे हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह गंजूर दा भाव हुंदा आ एक खजाना खजाना कादा इत्थे खजाना गुरसिख पैरों गुणा दा इह भाई नंद लाल जी कहन लगे कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह जी नूं उस अकाल पुरख ने एक खजानची बना दिता कहिंदे दे मेड गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी इन टू द ट्रेजर सो वाहिगुरु सो भाई नंद लाल जी सेइंग That Guru Gobind Singh Ji is the treasurer for Waheguru Ji. Guru Gobind Singh Ji holds all the qualities, all the gun. Sach karke manyo, je aapa chahunde na ke aapa guna naal bhar jaiye, then we'll have to go to the treasurer of Guru Gobind Singh Ji, Paatshah Ji, karke us akaal purkh ne saunpya Guru Gobind Singh Ji nu paatshah, aap ek khazanchi banaya. Hak ra ganjoor Guru Gobind Singh, jumla faiz noor Guru Gobind Singh, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी भाई नंद लाल जी कहन लगे जुमला का अर्थ हुंदा सारे सब कहिंदे जुमला फैज फैज का भाव हुंदा गुरसिख पैरो कृपा करनी गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी इज दैट वन दैट शावर्स द ग्रेस अपॉन ऑल एदा नहीं कि वह किसी किसी ते गुरसिख पैरे वह कृपा करते हैं करके कई मनों में भी भुलेखा हुंदा सम पीपल हैव डाउट्स इन देयर माइंड कई सोचते ने ना बहुत जाने ने जिहड़े आखते ने कहिंदे जो सतगुरु जी पातशाह जी जो कृपा करनगे ना तो असी उस दिन असी भी उस सतगुरु जी अकाल पुरख जी दे असी चरनी लग जावांगे आपां गुरसिख पैरो सोचदे भाई नंद लाल जी तो कहन लगे कहिंदे जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी दे शावे दे नूर नूर मीनिंग दे लाई ऑफ ग्रेस अपॉन ऑल कहिंदे वो तो सारे उपर अपनी गुरसिख प्यारो वो कृपा का मीह बरसाउंदे ने पर कई ये आखते ने ना जदों गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह मेरे कृपा करनगे तो असी भी उदों लड़ लग जावांगे नहीं गुरसिख प्यारो सच करके मनियो जदों भी आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह दे चरणों में जदों आपां तुर के आने वैन एवर वी कम इन टू द चरण ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी तो हर समय वह कृपा की मीह वरसा रहे ने Whenever we come here, there's always a constant flow of grace coming from Guru Granth Sahib Ji, Sache Patshah. Bas ek gal manniyo, duniya de, us sansar de loka ne aakhya siga, ke Rab de kar kadi vi hanera nahi. The world, the people of the world said, eh bas sansar di galla ne gursikh pyareo, sansar ne kya ke us kaal par Rab de kar de vich kende kadi vi hanera nahi. There's never darkness in the house of God. कहिंदे पर शायद कहिंदे मिलन विच शायद देरी होवे संसार दे लोक आखदे ने कहिंदे बस इत्थे कृपा होण वास्ते ना कहिंदे शायद देरी होवे कहिंदे पर इत्थे कोई हनेरा नहीं देयर इज नो डार्कनेस बट देयर माइट बी अ लिटल डिले तो गुरसिख प्यारो बाबा नंद सिंह जी महापुरख कलेरा वाले वह बचन करते सन कहिंदे नहीं भुलियो कहिंदे गुरु नानक दे घर विच कहिंदे ना ही हनेरा आ कहिंदे इन द हाउस ऑफ गुरु नानक देयर इज नो डार्कनेस कहिंदे गुरु नानक दे घर दे विच कृपा वास्ते कहिंदे ना ही कहिंदे इत्थे हनेरा आ तां सच करके मन्नियो ना ही इत्थे कोई देरी आ कहिंदे इत्थे कोई कहिंदे देरी भी नहीं देयर इज नो डिले कहिंदे ना ही हनेरा ना ही देरी कहिंदे बस सिखा बस तेरे डिगण विच कहिंदे देरी आ बाबा नानक सिंह जी दे बचन ने बाबा नानक सिंह जी सर कहिंदे सिखा देयर इज नो डार्कनेस इन द हाउस ऑफ गुरु नानक कहिंदे सिखा कहिंदे देयर इज नो डिले इन द हाउस ऑफ गुरु नानक कहिंदे इफ देयर इज अ डिले देयर इज अ डिले इन यू फॉलिंग इन द फीट ऑफ गुरु नानक कहिंदे जिद्दन आपां अंदरों असल विच डिगे ना जिद्दन आपां अंदरों विच झोली बना ली कहिंदे सच करके मन्नियो कहिंदे उदन ही कृपा हो जानी आ वी थिंक That one day we're waiting for that kirpa. Nahin gursikh pyaro kite aapa jadon neeme hoke aaiye na to odan hi kirpa ho jani aa. Bhai Nand Lal ji kehne lage kende jumla faiz noor Guru Gobind Singh hat hat aaga Guru Gobind Singh kende if there's anyone that has got to know Waheguru ji kende je koi hai na जिसने उस अकाल पुरख नूं पछाणिया भाई नंद लाल जी कहिंदे उस हक नूं सच नूं कहिंदे ओ गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने कहिंदे पछाणिया कहिंदे उस अकाल पुरख नूं कहिंदे हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई नंद लाल जी कहन लगे कहिंदे मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह कहिंदे इज द किंग ऑफ किंग्स शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह इत्थे भाई नंद लाल जी ने दसना किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी की पातशाह जी की पहुँच केवल इस संसार तक नहीं
गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह की पहुँच केवल इस जीवन तक नहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह केवल इस धरती के राजा नहीं पर बार दो आलम शाह और दो आलमां दे शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह इज द किंग ऑफ टू वर्ल्ड मीनिंग और नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड पर सच करके मनियो जिन्हां ने भी इस संसार इस जीवन विच अपनी बांह कलगी तर पातशाह नूं फड़ाई होवे whoever has given the arm to guru gobind singh ji paatsh ji in this life jiddan aapa is sansar ton akhaan meet gaye ta yaad rakhiyo karke oh keval sha is sansar da nahi keval is jeevan da nahi oh mere kalgitar sacche paatsha akhaan meetan ton baad vi utthe khade honge but when we close our eyes from this world guru gobind singh ji paatsh ji will be there to hold our arm in the next life as well ke bardo alam sha gur gobind singh ama baksh baksh बख्शिंदे ओ दस्तगीर खस्ता बख्श राजिक देहो दिल पजीर गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह कहिंदे कहिंदे हे वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह कहिंदे खता बख्श खता दा अर्थ हुंदा गुरसिख प्यारिओ जिहड़ा जिहड़ा पाप कमाउंदा होवे खता मीनस आवर सिंस जिहड़े अपने अंदर पाप पए आ ना कहिंदे ओ गुरु गोविंद सिंह जी कहिण लगे कहिंदे ओ अकाल पुरख जी ओ ने कहिंदे खता बख्श कहिंदे ओ अपने अंदर दे पापा नू भी बख्श दिंदा है जे इत्थे आपां ना गुरसिख प्यारिओ शरदा भावना दे नाल आईए भावें कोई अत दा पापी होवे कोई भावें कहिंदा होवे ना कि मैनू सतगुरु जी पातशाह जी बख्श लैणगे तां सच करके मनियो तां गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी उच्ची आवाज़ विच आखणगे कहिंदे पिछले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे कहिंदे मैं तेरे सारे पिछले औगण बख्श दवांगा तू जिन्हें मर्जी इत्थे औगण लैके आ जावा पर मैं सारिया नूं साड़ के रख दूंगा गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी कहन लगे कहिंदे खता बख्श राजिक देहो दिल पजीर कहिंदे तू है ही इहो जिहा हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी कहिंदे तू साडे दिलां नूं पजीर चंगा लगन वाला आ हाउ कैन इट बी दैट व्हेन वी गेट टू नो वाहिगुरु जी दैट वाहिगुरु जी डजंट स्टील आवर हार्ट अवे सच करके मनियो मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी भी इहो जिहे ने कि खता बख्श ओह साडियां भी खता भाव गलतियां बख्शन वाले ने कभी भी ये मन विच गल नहीं लियानी कि मैं अत दा पापी हाँ कि मैनू गुरु गले नाल नहीं लगाउणगे पर याद रखियो जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी सच्चे पातशाह जी ने ना जदों सिखां नूं आख्या सीगा कहण लगे कहिंदे सिखो कहिंदे बच्चा एक रोंदा पिया आ उहनूं चक के लै के आओ वह बच्चे जदों चक के लै के आउंदा ना सिखां ने तो पातशाह जी कर कहण लगे गुरु हरगोबिंद साहब जी पातशाह कहिंदे इस बच्चे नूं मेरे बाहां विच तुसीं रख दो तो वह सिख कहन लगे कहिंदे पातशाह कहिंदे ये बच्चा तो कहिंदे अठ दा कहिंदे कुथरा आ कहिंदे ये बच्चा तो कहिंदे अठ दा गंदा जे पातशाह जी कहिंदे ताडा भी कहिंदे सोहना पोशाक कहिंदे गंदा करेगा पातशाह कहिंदे कहिंदे सिखो तुसीं बचन मनो कहिंदे इस बच्चे नूं मेरे कहिंदे बाहां विच रखो उस बच्चे नूं जिन्हां ने जिहड़े बच्चे ने उहनां नूं उहनां ने आख्या सी कि कुथरा आ कुथरा मीनस डर्टी इम्प्योर कहिंदे पातशाह जी दिस बच्चा दिस चाइल्ड इज इम्प्योर ही विल मेक यू ब्यूटीफुल चोला डर्टी पातशाह जी से डोंट वरी अबाउट दैट जिस पुट हिम इनटू माय आर्म्स जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी पातशाह ने अपने बाहां जदों बाहां उड़ाइया ना उस बच्चे नूं उहनां दे बाहां विच रखिया पातशाह जी ने आपना ही पल्ला लैके ना गल दा उस बच्चे दा चेहरा साफ किया तो कहन लगे गुरु हरगोबिंद साहब जी पातशाह कहिंदे कौन कहिंदे कहिंदे इह कुथरा आ कहिंदे इह तां प्यारिओ कहिंदे सुथरा जे सुथरा पर गुरसिख पर मेरे गुरु का बिरद ही यह है कि पतित पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं भन्ने काले घट घट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा गुरसिख प्यारे मेरे गुरु दा बिरद ही यह है खता बख्श राजिक देओ दिल पजीर कि किवें हो सकता आ कि आपां गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह कोल जदों आवांगे ना वह साढ़े भी पाप नाश करके रख दूगा जदों साढ़े पाप नाश करके रख दूगा कि साढ़े दिल में नहीं दो दिल पजीर साढ़े दिल में भी वह फिर प्यारा लगन लग पूगा गुरसिख प्यारिओ सो अज वास्ते इतनिया क बेनतियां प्रवान आपां कण तो लैके ना सो अज ऑल आई वांट टू डू टुडे वाज जस्ट ग्लोरीफाई गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी लुक एट द सिफ्ट लुक एट द प्रेज ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी फ्रॉम अ गुरसिख प्यारा लाइक भाई नंद लाल जी एंड जस्ट लुक एट गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह बाणी अ लिटल बिट एंड व्हाट वी आर गोना डू फॉर दीस 12 डेज इज व्हेन गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी सेड दैट चितना पयो हमरो आवन कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन मैं आपा बस 12 दिन ये वेखना आ कि गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जीवन के
कुछ आया गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी जीवन में व्हाट केम इन फ्रंट ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी इन देयर लाइफ पर कैवें गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में पर कैवें गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी सुरती प्रभु की चरणा में जुड़ी ही रही जो मर्जी हो गया गुरु पातशाह ने अपने अखां दे सामने अपने बच्चों नू कटा लिया पर याद रखियो पर मन लियो इस गल नू कि चुभी रही प्रभ चरणन में पर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दी ना जिहड़ी बिरथी सी जिहड़ा ओह प्रेम सी ओह गुरु ओह अकाल पुरख दे चरणा विच फिर भी चुभी रही उन्हां दी सुरत कदी खिंडी नहीं जो मर्जी होया उन्हां दे अखां दे सामने दैट्स व्हाट वी गोना ट्राई एंड लुक एट फॉर द नेक्स्ट 12 डेज़.